हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं एक दो दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घड़ी में बज चुके हैं 10:30 और अभी मेरा काम की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि कल इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने जो मैंने दिखाए नहीं थे, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। काम कुछ ज़्यादा हो गया था और नवरात्रि के चक्कर में थोड़ा साफ सफाई करी थी। तो ये देखिए, मैंने अपने घर में ही कपड़े टांग रखे हैं या रस्सी में। ये देखिए कितने लाइन से, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ आ रही थी और आज भी बरसात आ रही है। अभी टिप 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 लगी है कल से। और ये भी मैंने धोया था। और मैंने अभी देखिए सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और बिस्तर भी नहीं उठाया है, कोई काम नहीं किया है। और ये देखिए लाइन से मेरे कपड़े मैंने रूम के अंदर ही डाल रखे हैं। ये देखिए वो उस रूम तक डाल रखे हैं। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए हवा चल रही है और मैंने चिक लगा रखी है, क्योंकि यहाँ सारा पानी नीचे मेरे आ जाता है, तो इधर भी चिक लगा दी है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है और कभी बरसात रुक रही है और कभी आ रही है टिप 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 टिप। और मौसम शायद खुल जाए हल्का फुल्का, तो मौसम के हाल देखिए, क्योंकि अभी बादल बने ही हुए हैं और इस बरसात की वजह से कोई काम भी नहीं हो रहा है। कहीं जाना हो वो भी नहीं जाना आना हो पा रहा है। और चलिए फिर करते हैं शुरुआत काम की। तो मैंने कोई रेसिपी भी नहीं डाली है 2 दिन से, तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ तो बनाऊँ। तो अभी मैं दोपहर में की सब्ज़ी में बनाऊँगी खाने में। मैंने भिगो के रखे हैं, वैसे तो मैं भिगोती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज भिगो दिए थे ये छोले। ये देखिए इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने भिगोई है, मुझे ये कम से कम 2 घंटे हो चुका है। ये देखिए चने की दाल, इससे जो मैं बनाऊँगी एक मिठाई। तो इसको पानी को मैं इसमें हटा साफ कर वो निकाल दूंगी और पानी पूरा इसमें से निकल जाएगा जब, तो फिर इसको मैं मिक्सी के जार में दरदरा पीस लूंगी और उसके बाद इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है। तो ये इसकी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर इसको करते हैं किसी टोकरी में, वो पानी निकाल देते हैं। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि मेरा काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये बर्तन भी है धोने के लिए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज मेरा। और उसी बीच में मुझे ये रेसिपी भी बनानी है और ये सब्जी जो बना दोपहर के लिए बनानी है, छोले की सब्जी। तो चलिए फिर करते हैं, धीरे धीरे लगते हैं काम पे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो देखिए मैंने ये ऐसी टोकरी में मैंने इसको दाल को निकाल के रख दिया है इसमें से। ये देखिए पानी निकल रहा है, ये धीरे धीरे पानी निकल जाएगा जब पूरा पानी झड़ जाएगा इसमें से, उसके बाद ही इसको हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसको ये पानी निकलने के लिए रख देती हूँ इसमें, और थोड़ा हवा भी लग जाएगी, थोड़ा ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद ही इसको मैं दरदरा करूँगी। तो चलिए फिर पहले अपना काम कर लेते हैं और उसके बाद इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, और छोले मेरे 2 कप छोले भिगोए थे मैंने। मैं कप दिखा देती हूँ आपको, मैंने ये वाले कप से 2 कप छोले भिगोए थे जो कि फूल के मेरे इतने हो गए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी इसी के हिसाब से पानी, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने इतना पानी डाल चुकी हूँ और एक कप पानी, ये वाला 1 कप पानी मैं और डालूँगी इसमें। और इसमें मैं डालूँगी ये दालचीनी का टुकड़ा, ये 2 इंच का टुकड़ा था जो मैंने तोड़ के 3 हिस्सों में कर लिया है, और एक ये मोटी इलायची, और 1 कप पानी और डालना है मुझे। तो
ये एक कप पानी और डाल दिया है मैंने, और इसमें डालूंगी मैं नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो चलिए फिर ये इलायची को तोड़ के डाल देते हैं इसमें, और इसको रख देते हैं गैस चूल्हे पे। तो गैस चूल्हा चला लेते हैं हम। इसको रख दिया है हमने यहाँ पे, और इलायची को हमने फोड़ लिया है, जो ऐसे करके डाल देंगे बीच में। और इसमें अब डालेंगे नमक। तो ये मेरा एक चम्मच नमक है, एक चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ इसमें, और स्वाद अनुसार नमक डालना है इसके अंदर। और इस मैंने अभी एक ही चम्मच डाला है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसको जब मैं इसमें छोंक लगाऊंगी तब डालूंगी इसके अंदर नमक। मैंने अभी कम डाला है, तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिएगा। अब कर देते हैं इसको बंद, और चार से पाँच सीटी तक मेरे कुकर में 4 से 5 सीटी आती हैं इसमें। कुकर का भी अलग अलग हिसाब होता है, किसी में जल्दी गल जाते हैं, किसी में देर में गलते हैं। तो आप अपने कुकर के हिसाब से सीटी लगवाइएगा ताकि ये गल जाएं। इतने भी ना गलें कि एकदम ज़्यादा गल जाएं, तो मीडियम एकदम, थोड़े बाद में भी पकते हैं ये, इसलिए इनको थोड़ा कम ही गलाना पड़ता है। तो थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है इसे। अभी मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी इसमें। तो चलिए फिर लगने देते हैं इसमें सीटी, तब तक हम कर लेते हैं अपना दूसरा काम। यहाँ पे मैं मसाले में पीस रही हूँ जावित्री, छोटी इलायची और काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो चलिए फिर सिलबट्टे पे पीस लेते हैं इसे। इसमें छौंक के लिए लिया है हमने 2 बड़े प्याज, ये मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये टमाटर, ये हरी मिर्च। तो चलिए फिर हमारे ये छोले हो चुके हैं, इसको हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं इसमें, और फिर लगाते हैं छौंक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप इसमें तेल डाला है, इसमें मैं 1.5 कप तेल डालूंगी ये वाला, क्योंकि तेल थोड़ा मुझे ऑयल कम लग रहा है। तो मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये मैंने डाल दिया 1.5 कप ऑयल, और फिर अब इसमें डालेंगे, ये गर्म होने देंगे इसको थोड़ा। जब तक गर्म नहीं होगा तब तक तो मज़ा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि तो इसमें फिर स्मेल आएगी तेल की, ऑयल, सरसों का ऑयल डाला है मैंने। और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच की अजवाइन, जिसमें हम अजवाइन का छौंक लगाते हैं। और इसके बाद डालेंगे हम कटे हुए प्याज, ये हमने डाल दिए कटे हुए प्याज। ये मैं सब्जी गूगल में ही बना रही हूँ, तो आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में ही बनाती हूँ। इसमें हमने डाल दिए हैं प्याज, अब इसको हम थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब ये सुनहरा हो जाएंगे हमारे ये प्याज, उसके बाद हम बाकी का मटेरियल इसमें डालेंगे। प्याज हमारे हो चुके हैं, और मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, तो इसमें हींग भी डालनी थी पहले, तो मैंने अब डाल दी इसमें हींग। तो अब डालते हैं इसमें टमाटर, 1 बड़ा टमाटर काट के डाला है मैंने, और
डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। ये हैं हमारे सूखे मसाले, धनिया, कस्तूरी मेथी, हल्दी, गरम मसाला, ये मार्केट वाला मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर और ये नमक। नमक मतलब कम हो गया है तो मुझे और डालना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसको हम 5 मिनट तक गलने देंगे प्याज और टमाटर को। 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम सूखे मसाले। यहाँ पे हम डाल दें कश्मीरी मिर्च पाउडर और ये आधा कप डाल देंगे पानी। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं, ये देखो कितना अच्छा मसाला बना है हमारा। और अब डाल देंगे थोड़े से निकाल के छोले। इन छोलों को थोड़ा करछी की सहायता से दबा देंगे तो ये हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब डाल देंगे इसका पानी और छोले। ये हमने डाल दिए। अब इसका ढक्कन कर देंगे बंद, एक सीटी लगाएंगे इसमें। तो चलिए एक सीटी आ चुकी है, अब हमने कर दिया है बंद। देखिए अभी हमारी सब्जी हुई नहीं है, अभी हमें और चलाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी गैस पे ऐसी होएगी बिना सीटी के। तो चलिए गैस जला दी है मैंने और हमारी सब्जी उबल रही है, थोड़ी देर उबलेगी उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी हो चुकी है, अब मैं लास्ट में डालूँगी इसमें मसाला। ये मैंने मसाला पीस के रखा था तो इसको डाल देते हैं। अब मैं मसाला 1 चम्मच ही डालूँगी, उसको हम मिला देते हैं मसाले को। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच से या थोड़ी सी कम काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च भी डाल दी हमने, तो मेरी सब्जी का कलर देखिए कितना मस्त आया है।
ये हमारी सब्जी को मसाला डालने के बाद 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम बंद कर देते हैं। हमारी सब्जी हो चुकी है तो ये देखिए इसको हम थोड़ा ढक देते हैं। हमारी छोले की सब्जी मस्त टेस्टी बना कर एक बार ज़रूर खाइए। और इसमें मैंने धनिया नहीं डाला है, मेरे पास धनिया नहीं था, आप अगर चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करके खाते हैं और देते हैं सबको। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अगर मेरी ये सब्ज़ी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।